तो गाइस ये मेरा छोटा सा मैसेज है, तो जहाँ से जितना हो सके उतना शेयर करना। बस आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप किसी भी बिल्ली को मत मारना, किसी भी बिल्ली को नहीं, किसी भी जानवर को मत मारना। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लेट से मैं स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि मैंने अपने फ़ोन को अपडेट किया था जो कि 2 घंटे बाद सही हुआ है। मतलब ओपन नहीं हो रहा था, लेकिन 2 घंटे बाद फाइनली ओपन हो गया था। तो गाइस अभी मैं नहा वगैरह लिया था, लेकिन फिर से मैं नहाऊंगा क्योंकि मुझे कपड़ा धुलना था, क्योंकि कई सारे कपड़े मुझे जो कि रिपीटेड मैं पहन रहा था, तो इसलिए मैंने कई सारे कपड़े को निकाला है जिसको धुल के सुखाना है और फिर उसी को मैं डेली पहनूँगा। तो मिलते हैं, पहले कपड़े वगैरह सब कुछ ले लेते हैं। तो हे गाइस, मैं कपड़ा वगैरह सब कुछ ले लिया हूँ, अब मैं चलता हूँ एक बार रोड नहाने और कपड़ा धुलता हूँ और मिलता हूँ आपसे। एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी, तो पहले नहाते हैं फिर कपड़ा धुलते हैं फिर मिलते हैं। तो हेलो गाइस, आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। कल मैंने एक ब्लॉग बनाया था जिसमें बिल्ली को बहुत ज़्यादा किसी ने मारा था। मैंने उसको खाना दिया था, वो खाए थे, लेकिन रात में जब दिया था वो नहीं खाए थे क्योंकि वो कहीं थे, शायद ठंड लग रही थी। तो अगर आप वो वाला ब्लॉग नहीं देखे हो तो पहले वो वाला ब्लॉग देख लेना। तो अभी देखते हैं वो कहाँ पे है, क्योंकि मैं सुबह से देखा हूँ तो वो नहीं थे और जो मैं रात में दिया था वो भी नहीं खाए थे। तो क्या पता कहीं छिपी हो, तो पहले हम लोग उसे ढूंढते हैं, देखते हैं अगर मिलती है तो फिर। यार गाइस, मैं यहाँ पर उसको खाना दिया था, इसमें का तो खा चुकी थी दूध जो भी था, दूध वगैरह, लेकिन जो रोटी पे मैंने चिकन वगैरह लगा के दिया था वो नहीं खाए थे। तो शायद कहीं वो छिपी हुई होगी, तो शायद पहले हम लोग उसे ढूंढते हैं, देखते हैं वो कहाँ पे है। तो हम लोग पहले ऊपर चलते हैं, देखते हैं। बिल 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 यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। और सबसे ऊपर चल के देखते हैं, यहाँ पर शायद देखते हैं, यहाँ पे तो बहुत सारा सामान है, इसके नीचे देखते हैं, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। गाइस लग रहा है शायद से वो किसी घर चली गई है, क्योंकि वो रात में, क्योंकि यहाँ से अटैच एक ही घर है यहाँ से, तो शायद यहाँ से वहाँ चली गई है। लेकिन फिर भी उसका कोई भी मतलब आवाज़ तो करना चाहिए ना, म्याऊं म्याऊं जो भी है। इसके नीचे देखते हैं, एक मिनट, इस साइड से देखते हैं। बकरी बोल रही है। तो गाइस प्लीज़ बिल्ली को मत मारा करो, और अगर आप उसे खाना नहीं दे रहे हो ना, लेकिन मारा भी मत क्या करो। आप उससे ज़्यादा खाना तो आप बर्बाद कर देते हो, फेंक देते हो डेली। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट करो बिल्ली की। मतलब यार मुझे बहुत दुख लग रहा है, मतलब क्यों मार देते हैं लोग यार। वो मतलब अगर आप उसको बुलाएंगे खाने के लिए ना, वो आएगी, लेकिन आपसे वो डरती है क्योंकि आप उसे मारते हो। प्लीज़ मारा मत क्या करो। देखते हैं वो शाम तक अगर कहीं इधर वगैरह दिखती तो मैं उसे खाना फिर पानी वगैरह दूंगा, जिससे उसका पेट भर जाए। तो प्लीज़ आप भी ऐसा कभी मत कीजिए कि किसी बिल्ली को मारिए, भले से उसको मतलब आपका कुछ भी नुकसान करे, लेकिन मारिए मत। तो गाइस प्लीज़ बिल्ली को मारना मत, ठीक है। अगर तुम उसे कुछ नहीं दे सकते ना, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम उसे मारो, ठीक है। अगर वो तुम्हें मारेगी ना, तो तुम सोचो कहाँ पे जाओगे, लेकिन मारना मत गाइस। थोड़ा बहुत आप दे दोगे ना, तो आपको भी खुशी मिलेगी और उसे भी खुशी मिलेगी, वो आपका कभी नुकसान नहीं करेगी अगर आप उसे कुछ देते भी हो तो। तो गाइस प्लीज़ मारना मत यार, बहुत दया आती है। तो गाइस ये मेरा छोटा सा मैसेज है, तो जहाँ से जितना हो सके उतना शेयर करना। बस आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप किसी भी बिल्ली को मत मारना, किसी भी बिल्ली को नहीं, किसी भी जानवर को मत, किसी भी, क्योंकि मतलब आप मेरा पहले वाला जो इससे पहले जो ब्लॉग पोस्ट किया उसमें आप देख सकते हो यार कितनी बुरी तरीके से मारा गया है अभी तक। मतलब
क्या ही मतलब उस पर बीत रही होगी। तो गाइज प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करना और लाइक करना और कमेंट करना, बस बिल्ली को मत मारना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब है इसलिए मैं इससे ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर सकता। तो आई होप कि आपका दिन भी अच्छा जाए और मेरा दिन भी अच्छा जाए, और प्रे करना कि बिल्ली मतलब सही हो जाए बस। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में।